तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप गाना ऐप से कॉलर ट्यून कैसे सेट कर सकते हैं, और उस वीडियो पर मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला। आप देख सकते हैं, मुझे उस वीडियो पर 14K व्यूज़ मिल चुके हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसे आप जियो कॉलर ट्यून को पहले सुनकर उसे आसानी से सेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले सुनकर कि वो गाना सही है या नहीं, फिर आप उसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो भी जाकर एक बार देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माँ जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन सभी जियो यूज़र्स के पास तो होती ही है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से एक बार डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास एप्लीकेशन पहले से ही है तो एक बार इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। अगर आपके एप्लीकेशन अपडेट है तो आप अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप करने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। तो इसे खोल लेने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे यूज़फुल लिंक्स करके। यहाँ पर आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जियो ट्यून्स करके। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ऊपर 3 बार्स पर क्लिक कर यहाँ पर आपको जियो ट्यून्स दिखा देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा नो सब्सक्रिप्शंस, मतलब यहाँ पर आपका जो भी कॉलर ट्यून सेट है ना वो दिखाई देता है। अगर आपका कोई कॉलर ट्यून सेट है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर नहीं सेट है तो बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देगा जैसा आप अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जियो कॉलर ट्यून सेट करने के लिए आपको यहाँ पर जियो ट्यून्स लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। ऊपर जियो ट्यून्स लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो सॉन्ग सर्च कर लेना है जो आपको यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिर्फ आप सॉन्ग का नाम ही नहीं, जो भी सिंगर एल्बम वगैरह आर्टिस्ट वगैरह है उन लोगों के भी नाम सर्च करेंगे ना, तो उनसे रिलेटेड जितने भी कॉलर ट्यून्स जियो के पास है वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एलन वॉकर का गाना सर्च कर लेता हूँ। गाना सर्च कर लेने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी एलन वॉकर के जो म्यूज़िक है ना वो आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर साइड में ही प्ले का बटन दिखाई देगा आपको, इस पर टैप करके आप उस कॉलर ट्यून को एक बार सुन भी सकते हैं। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सॉन्ग प्ले भी हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही आप प्ले करके कोई भी सॉन्ग यहाँ पर आपको सेट ए जियो ट्यून पर क्लिक कर देना है। सेट ए जियो ट्यून पर क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है आपके जियो नंबर पर। यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा या इसकी वैलिडिटी कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 अक्टूबर को ये शुरू हो चुका है और इसी वक्त पर शुरू हो चुका है, मतलब आपके ये 30 दिनों तक आपको ये मिल जाएगा एकदम फ्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिड टिल 5 नवंबर यहाँ पर दिखा देगा। SMS के थ्रू ये बता दिया जाता है कि आपके कब तक रहेगा, और यहाँ पर सब कुछ लिखा देगा, आप सॉन्ग का नाम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद आपको बैक जाना है। तो यहाँ पर से आप कभी भी इस सॉन्ग को रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर जियो ट्यून्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो सॉन्ग दिखाई देगा जो कि यहाँ पर पहले नहीं दिखा दे रहा था यहाँ पर, लेकिन अब दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट पर क्लिक करना है। डीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक SMS आएगा जहाँ पर लिखा होगा कि आप जियो ट्यून सर्विसेज हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप आसानी से कोई भी सॉन्ग सर्च कर सकते हैं और उसे मन चाहे जब चाहे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे जो लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो जियो ट्यून से वो हमें सॉन्ग का आधा पीस जो है वो कट करके भी लगा सकते हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जियो एक खुद ही तय करती है कि सॉन्ग का कौन सा पार्ट वो एज अ कॉलर ट्यून रखना चाहते हैं। तो इसे हम लोग सेट नहीं कर सकते दोस्तों। एक और बात, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। एलन वॉकर जो
का जो ऑन माय वे सॉन्ग है ना, यहाँ पर मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एज अ जियो कॉलर ट्यून भी सेट हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर जियो सावन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जियो ट्यून्स पर क्लिक करना है। जियो ट्यून्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑन माय वे फिर से लिख देता हूँ। ऑन माय वे लिख देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सॉन्ग आ चुका है। दोस्तों देखो, अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको फ्री ट्रायल मिल जाए। तो आपको यहाँ पर साइड में ग्रीन कलर का आइकॉन दिखाई दे रहा है, वो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आप इस सॉन्ग को सुन भी सकते हैं। सॉन्ग को सुनने के बाद अगर आपके सॉन्ग सही है तो आप इसे सेट या जियो ट्यून पर भी क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा फ्री ट्रायल शायद ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ये मेरे को एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोल रहा है। लेकिन मैंने पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लिया है, ये मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है, तो ये तरीका अब वर्क नहीं करेगा और मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अगर आप ये पहली बार करेंगे तो आपका फ्री ट्रायल अभी चल रहा होगा, तो ज़रूर से इसका फ़ायदा एक बार उठा लेना। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि सारे जियो ट्यून्स इसी पेज पर अवेलेबल है। अगर आपको सॉन्ग वहाँ पर नहीं मिलता तो यहाँ पर आप इस सॉन्ग को सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारे सॉन्ग मिल जाएंगे जो जियो एज अ कॉलर ट्यून आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी।